हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर शबनम फैज। आज का मेरा टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर है। इससे लास्ट टॉपिक में मैंने डिस्कस किया था फैट और प्रोटीन्स के ऊपर, ठीक उसी प्रकार कार्बोहाइड्रेट्स भी हमारे डाइट का बहुत ही मेजर एक कंपोनेंट है। और हम लोग जो भी खाना खाते हैं उसमें अच्छे अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है। जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो मोस्टली हमारे बॉडी में जो भी फंक्शन करता है, सबसे पहले तो ये हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है। जो भी एक समझ लो हमारे बॉडी का ये फ्यूल है, कुछ भी हम लोग काम करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स की मदद से ही हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलता है और उस एनर्जी के थ्रू हम लोग वर्क प्रॉपरली कर पाते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ ये क्या कहता है, फैट के ऑक्सीडेशन में भी हेल्प करता है। ये भी सेम हो गया हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए। इसके साथ साथ कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जिसके फॉर्मेशन के लिए उनको कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है, तो ये अमीनो एसिड्स के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। और फिर फर्दर वो अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो प्रोटीन बनाने में हेल्प कराते हैं। तो आप इसको छोटा सा एक अमाउंट हम लोग ये भी कह सकते हैं कि हमारे बॉडी में इम्यून प्रोवाइडर का भी काम करता है, एक तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। उसके साथ साथ जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो मोस्टली थ्री फॉर्म्स में हमें मिलते हैं। सबसे पहले स्टार्च, जो भी हम लोग सीरियल्स वगैरह, राइस या पोटैटोज ये सब खाते हैं, ये स्टार्च फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स हमारे फूड में प्रेजेंट रहता है और ये हमारे बॉडी को मिलता है। जो इसका दूसरा फॉर्म है वो शुगर का फॉर्म है। जो भी हम लोग शुगरी प्रोडक्ट, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड या हनी वगैरह जो भी यूज़ करते हैं, वो सारा शुगर के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बॉडी में मिलता है। ये सारे इसके सोर्सेज भी हो गए। थर्ड इसका फॉर्म है जो सेलुलोज के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिलता है। सेलुलोज के फॉर्म में हमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को नहीं मिलता, बट एज अ डाइट्री फाइबर के फॉर्म में ही हमें मिलता है। डाइट्री फाइबर उस चीज़ को कहते हैं जिससे हमारे बॉडी को फाइबर मिले, और ये फाइबर हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी खाना हम लोग खाते हैं उसके डाइजेशन के लिए, उसके प्रॉपरली डाइजेशन हो और वो हमारे गट में, जो इन हमारा गट होता है माउथ से लेके एनस तक, वो गट में प्रॉपरली मूव हो सके खाना, उसके लिए फाइबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले तो ये डाइजेशन प्रॉपरली डाइजेस्ट कराने में, एब्जॉर्प्शन कराने में हेल्प कराता है। उसके साथ साथ ये हमारे फूड, जो लार्ज इंटेस्टाइन में फूड कलेक्शन होता है, तो उसको ये क्या कराता है कि जैसे जो स्टूल पास आउट होता है, एक्सक्रीटा पास आउट होता है, उसको ईजिली मूव कराने में हेल्प कराता है। यानी कि हमारे स्टमक से लेके जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ तक फूड को ईजिली मूव कराता है, और उस जो वेस्ट मटेरियल उसको सॉफ्ट बनाता है ताकि वो हमारे स्टूल के माध्यम से वो बाहर जा सके। तो हमें अपने डाइट में फाइबर इन्वॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फाइबर्स जो है, जैसे कि हम लोग सैलेड खाते हैं उससे हमें फाइबर मिलता है, जो ग्रीन एप्पल्स या एप्पल्स लेते हैं, कुछ फ्रूट्स जो ऐसे होते हैं जैसे रेडिश कैरोटीन, सब चीज़ों से भी हमें फाइबर मिलता है। तो हमें अपने हर एक डाइट में, जो भी हम लोग मील लेते हैं, बैलेंस डाइट का फॉर्म लेते हैं, उसमें फाइबर की मात्रा अच्छे खासे मात्रा में इन्वॉल्व करना चाहिए। वैसे लोग जिनको स्टूल पास नहीं हो पाता, जिनके स्टूल हार्ड होते हैं, डेली स्टूल पास नहीं कर पाते, कॉन्स्टिपेशन के शिकार हैं, वो वैसे लोग जो है वो अपने डाइट में फाइबर की मात्रा, अच्छी मात्रा इन्वॉल्व करें, अच्छे क्वांटिटी में, अच्छे अमाउंट में फाइबर लें अपने फूड के साथ, जिससे वो फाइबर क्या करें उसको अच्छे से च्यू करके खाएं। उससे क्या होगा, उनका जो भूख है ना वो भी कम होगा, क्योंकि फाइबर हमारे स्टमक को सेटाइटी प्रोवाइड कराता है, यानी कि वो हमारे स्टमक को बहुत लंबे समय तक फुल करके रखता है, तो हमें ज़्यादा खाने की डिज़ायर भी नहीं होगी। उसके साथ साथ ये क्या करेगा, हमारे जो भी हम लोग फूड खाए हैं उसको डाइजेशन कराने में हेल्प करेगा, और उसके साथ साथ उसके मूवमेंट में भी हेल्प करेगा, ताकि वो ईजिली क्या हो, हमारे गट में नीचे की तरफ मूव हो जाए और इंटेस्टाइन से बाहर आ जाए स्टूल के फॉर्म में। तो वैसे लोग जो कि कॉन्स्टिपेशन के शिकार हैं, ये जिनका स्टूल बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, वो अपने हर एक मील में फाइबर की मात्रा अच्छे क्वांटिटी में, यानी कि अगर आप 100% बोलते हो तो 30-35% मात्रा आपकी फ़ाइबर की होनी चाहिए, 30% मात्रा आपकी कार्बोहाइड्रेट्स की होनी चाहिए, 5-10% फैट की होनी चाहिए, 20% प्रोटीन की होनी चाहिए। इतनी मात्रा आप अपने डाइट में शामिल करो, फूड लो, उसको बहुत अच्छे से च्यू करके खाओ और फाइबर को बहुत अच्छे से च्यू करके खाओ, उसके बाद आप देखो कि आपका जो गट है वो बहुत ही अच्छा मूव करेगा, फिर स्टैटिक मूवमेंट इंक्रीज होंगे, आपका स्टूल सॉफ्ट होगा और वो ईजिली पास आउट होगा आपके बॉडी से। उसके साथ साथ वाटर भी अच्छी क्वांटिटी में लेना चाहिए, 3-4 लीटर पर डे हमें वाटर का यूज़ करना चाहिए।